नजम तेरे मुख को डुबाई गई मुझे घूर तू काय को काय को ओ सैया सैया वे ओ ससुर सैया वे न छोड़ को लैया मोर के भैया दिस साइड ओ साइड ओ आई एम वर सैया तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। तो फिर से लेके आ चुका आप लोग ने न्यू कमाल का वीडियो एडिटिंग। तो गाइस, अगर आप भी कुछ इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देखते रहना, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इस तरह से क्या करना है। और गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो की लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस, आपको सबसे पहले करना क्या होगा, आपको प्लस पे क्लिक करना है और यहां से सेकंड नंबर वाले रेशियो सेलेक्ट करके 9:16 रेशियो सेलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, करने के बाद आपको प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना और यहाँ से आप अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, जिस भी फोटो से आप एडिटिंग करना चाहते हो आप सिंपली सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, फोटो पर क्लिक करना, थ्री डॉट पर क्लिक करना, फिल कंपोजिशन एरिया कर देना। उसके बाद आपको क्या करना होगा, सेव वाले आइकन पर क्लिक करना, करंट फ्रेम इस पीएनजी पर एक्सपोर्ट कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ देर वेट करना और इमेज को यहाँ पर सेव कर लेना है। ठीक है, देख सकते सेव कर लेना है। फिर बैक आना, इमेज को यहाँ से डिलीट करना, प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे जाना और कोई दूसरे इमेज को ले लेना है यहाँ पर सिंपली। ठीक है, कोई भी इमेज को ले लेना। उसके बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया करना, फिर शेयर वाला आइकन पे क्लिक करना, करंट फ्रेम इस पीएनजी पे एक्सपोर्ट करना। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ देर वेट करना, इमेज को यहाँ पर सेव कर लेना। ठीक है, इस तरह से। फिर आपको बैक आना, इमेज को यहाँ से डिलीट कर देना, इमेज को डिलीट करना, प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे जाना, कोई दूसरा इमेज को ऐड कर लेना है यहाँ पर सिंपली। कोई भी इमेज आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अपना कोई भी इमेज को ले लेना है यहाँ पर सिंपली। फिर आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन ये करना, फिर शेयर वाला आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम इस पीएनजी पे एक्सपोर्ट करना और इस इमेज को भी सेव करना। तो गाइस, इस तरह से जो है आपको टोटल 13 इमेजेस को क्रॉप कर लेना है। ठीक है, 13 इमेजेस को क्रॉप कर लेने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली बैक आना है और आपको क्या करना होगा, ये वाला प्रोजेक्ट को डिलीट कर सकते हो जिसमें हमने अभी इमेज को क्रॉप किया था, उसको डिलीट कर देना। करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद देख सकते हो कुछ इस तरह से लेयर वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, सबसे पहले इस पर क्लिक करना, कलर इनफिल पे जाना और यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक करना। ठीक है, और ऊपर से क्लिक करके आपको अलाइट मोशन सिलेक्ट करना है और आप जो भी इमेज यहाँ पर सबसे पहले ऐड करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करना और यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना, आपका ऐड हो जाएगा इमेज कुछ इस तरह से। देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपका इमेज यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आगे आना है। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर आपका लिरिक्स आता है, तो इसको कुछ नहीं करना है, आपको फिर आगे आ जाना है सिंपली और यहाँ से आपका जो फिर लेयर आना है स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर देख पा रही हूँ यहाँ से। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, इस पर क्लिक करना, कलर एंड फिल पे क्लिक करना, टेक्स्ट पे क्लिक करना और फिर कोई दूसरे इमेज को सिलेक्ट करना, प्लस पे क्लिक कर देना। ठीक है, आपका इमेज यहाँ पर ऐड हो जाएगा कुछ इस तरह से, देख सकते हो यहाँ पर। उसके फिर आपको नेक्स्ट लेयर पे क्लिक करना, कलर एंड फिल पे जाना, टेक्स्ट पे क्लिक करना, कोई दूसरे इमेज को ऐड कर लेना। ठीक है, कोई दूसरा इमेज को लेना और यहाँ पर प्लस पे क्लिक कर देना, इमेज आपका ऐड हो जाएगा। उसके फिर आपको आगे आना है, इस पर क्लिक करना, कलर एंड फिल पे जाना, टेक्स्ट पे क्लिक करना और कोई दूसरे इमेज को ऐड करना यहाँ पर। तो सिंपली आप कोई भी इमेज को ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके फिर इस पर क्लिक कर देंगे, ऐड हो जाएगा आपका इमेज। तो इस तरह से गाइस, आपको क्या करना होगा, पूरा एंड तक आपको अलग अलग इमेज को ऐड करना, हर एक लेयर में अलग अलग इमेज। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर जिस तरह से मैं ऐड कर रहा हूँ इस तरह से आपको बिल्कुल सेम करना है अपने फोटो के साथ। ठीक है, तो फिर आपको आगे आना है, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, कलर एंड फिल पे जाएंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर कोई दूसरे इमेज को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से गाइस आपको एक एक करके पूरा एंड तक ऐड करना है। ठीक है, मैं तो आपको बताने के लिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन आप टाइम देके एडिटिंग करना और आपको आपका इजीली हो जाएगा, बिल्कुल सेम बन जाएगा। ठीक है, फिर आपको आगे आना है, फिर कोई दूसरे इमेज को ले लेना, फिर प्लस पे क्लिक कर देना, ऐड हो जाएगा इमेज आपका। तो फिर आपको आगे आना है, फिर इस पर क्लिक करेंगे, कलर एंड फिल पे जाएंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करके इसी तरह से आपको जो है वन बाय वन करके इमेजेस को ऐड करते हुए चले जाना है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से क्या करना है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इमेज को ऐड करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, दूसरा इमेज को ऐड कर लेंगे, फिर यहाँ पर आगे आएंगे, फिर यहाँ पर भी इसी तरह से आपको जो है ऐड करना है इमेज को। ठीक है, तो गाइस काफ़ी आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ और आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के आप आराम से कर सकते हो। तो लास्ट के जो है तीन लेयर और बच जाते हैं, यहाँ पर भी हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, इमेज को
तो अपना कोई भी इमेज को यहाँ पर ऐड कर लेना, ठीक है, आप इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको आगे आना है और यहाँ पर क्लिक करना, कलर इनफिल पे जाना, टेक्स्ट पे क्लिक करना और फिर कोई दूसरे इमेज को यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है, जैसे कि ये वाला मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। फिर आपको लास्ट में भी इसी तरह से ऐड कर लेना है। तो गाइस इस तरह से जो आपको पूरा एंड तक इमेजेस को ऐड कर लेना है, ठीक है, तो जिस तरह से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ उसी तरह से आपको कर लेना है। करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, देख सकते हैं आपको यहाँ से पूरा एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगा। इतना करने के बाद आपका पूरा एडिटिंग कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, और देख सकते हैं आपके फोटो में काफ़ी अच्छा कलर ग्रेडिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इतना करने के बाद आपका एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगा और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं इफेक्ट भी जो है मैंने पहले से ऐड करके दे दिया है ताकि आपको एडिटिंग में प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली कर सको, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, शेयर क्लिक करना है, वीडियो क्वालिटी को सिलेक्ट करना है, एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपका वीडियो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो एडिटिंग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।